राहुल गांधी के बीजेपी के यार वाले बयान पर सियासत तेज, प्रधानमंत्री मोदी बोले कांग्रेस के सीआर साथ। कांग्रेस के सीआर एक समान, दोनों से रहो सावधान। राहुल गांधी का बयान, बीजेपी के दो यार ओवैसी और केसीआर। बीजेपी बीआरएस और एमआरएम एक है, मोदी जी के हैं दो यार ओवैसी और केसीआर। राहुल के बयान पर ओवैसी का पलटवार, बोले राहुल का प्यार इटली और प्रधानमंत्री। बीजेपी बीआरएस और एमआरएम एक है, मोदी जी के हैं दो यार। बीआरएस नेता और तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने भी राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा प्रधानमंत्री के सबसे बड़े हितैषी हैं राहुल गांधी। जेजी तोड़ने वाले बयान, बीजेपी के बयान पर बोले तेजस्वी वो करते हैं बकवास। कुछ लोग जो बैठे हैं सत्ता में उनको तो ये बात हजम नहीं, कुछ लोग जो बैठे हैं सत्ता में उनको तो ये बात हजम नहीं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान, जेडीयू नेताओं को तोड़ रही है आरजेडी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सभी प्रत्याशियों को भोपाल बुलाया, मतगणना वाले दिन के लिए दी जा रही है ट्रेनिंग। किसान आंदोलन के दौरान लंबित मांगों को लेकर आज किसान कर रहे हैं 3 दिन के लिए देश के अलग अलग राज्यों के राजभवन पर प्रदर्शन। सोनीपत से सड़क मार्ग और रेल से हजारों की संख्या में किसान पंचकुला रवाना, 26 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक होगा किसानों का महाप्रणाम। पटना में आरजेडी के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव का कांग्रेस पर वार, जो कांग्रेस पहले जातीय जनगणना की बात नहीं करती थी, अब राहुल को जातीय जनगणना की बात करनी पड़ रही है। बेगूसराय में महिला की ऑपरेशन के बाद हुई मौत, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर लोगों ने किया हंगामा। उत्तरकाशी में सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू, पहले चट्टानों को परखने के लिए बोरिंग के जरिए नीचे डाला जा रहा है 20 सेंटीमीटर का पाइप, करीब 90 मीटर तक खुदाई। उत्तरकाशी में ऑगर मशीन के क्षतिग्रस्त ब्लेडों को सुरंग से निकाला गया बाहर, खस्ता हुई ऑगर मशीन की हालत। टनल में फंसे 41 श्रमिकों के लिए भी की जा रही है लैंडलाइन फोन की व्यवस्था, परिवार से कर सकेंगे बात, बीएसएनएल की ओर से केबल बिछाने का काम जारी। सिलकियारा सुरंग में फंसे मजदूरों के बाहर आने में अभी लगेगा और समय, एनडीएमए सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसनैन ने यह कहा कि अच्छी खबर यह है कि अंदर फंसे 41 मजदूर ठीक है। लखनऊ में जबरदस्त हंगामा, 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बीजेपी कार्यालय के अंदर किया प्रदर्शन। सैकड़ों अभ्यर्थी बीजेपी कार्यालय के अंदर पहुंचे, हंगामे को रोकने के लिए पुलिस ने हल्के बल का किया प्रयोग। सभी अभ्यर्थी 6,800 चयन सूची पर नियुक्ति पत्र जारी करने का कर रहे मांग। करनाल में प्रकाश पर्व से पहले सिख समुदाय ने निकाला नगर कीर्तन, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी टेका मत्था। मुंबई आतंकी हमले में शहीद पुलिस अधिकारियों को श्रद्धांजलि देने आए कई दिग्गज। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र पुलिस के जवानों के साथ दी श्रद्धांजलि, गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीरें आई सामने। शरद पवार गुट के नेता सुप्रिया सुले ने भी किया मुंबई आतंकी हमले को याद, 15वीं बरसी पर तुकाराम उंबले स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि। बारामती में संविधान दिवस के मौके पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पढ़ा संविधान। हरदोई में 72 साल के अधिवक्ता ने किया नाबालिग लड़की का रेप, करतूत का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। गुजरात के विभिन्न जिलों के मौसम में बदलाव, आसमान में छाए काले बादल। गुजरात के सुरेंद्रनगर में कुछ हिस्सों में बारिश, शहर की तस्वीरें आई सामने। गुजरात के अमरेली शहर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, तापमान में आई गिरावट। नवसारी में बदला मौसम का मिजाज, जमकर बरसे बादल। सूरत में भी मौसम बदला, शहर की कई जगह से आई झमाझम बारिश की तस्वीरें। दिल्ली में प्रदूषण के चलते दिन में छाई रही धुंध, एक्यूआई फिर से बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा।
दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार, एवरेज AQI 300 के पार। हवा की गुणवत्ता में सुधार होने तक ग्रैप 3 रहेगा जारी, सभी निर्माण कार्य रहेंगे निलंबित। संसद में पैसे के बदले सवाल पर महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किलें, लोकपाल के आदेश पर CBI ने शुरू की जांच, TMC ने कहा ये बीजेपी की साजिश। प्रयागराज में कंडक्टर पर चॉपर से हमले के मामले को लेकर एक्शन में UP ATS, IB आरोपी हाशमी के करीबी और परिवार वालों से पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली में साहित्य आज तक आज तीसरा दिन, फिर सजा कला का सबसे बड़ा मंच। आध्यात्म के रंग में रंगा कार्यक्रम, आध्यात्मिक वक्ता जया किशोरी की साहित्य आज तक के मंच पर शिरकत। सैम बहादुर की कहानियां लेकर आएगी लेखक और निर्देशक मेघना गुलजार, और हाउस का जोश बढ़ाएंगे विकी कौशल। साहित्य आज तक के मंच पर रूबरू हुए एक्टर मनोज वाजपेयी, अपने अंदाज में जीता लोगों का दिल। सुशांत का घर खरीदने की अफवाह पर अदा का रिएक्शन, मैं अपने तरीके से शेयर करूंगी। बद्रीनाथ और केदारनाथ में यात्रा सीजन में पहुंचे 37,91,000 से अधिक श्रद्धालु, मंदिर कमेटी की हुई 70 करोड़ की कमाई। बिग बॉस 17 में जानवी कपूर को दोस्त ओरी का खुलासा, कहा दो बार मारने की कोशिश की गई। दिवंगत एक्टर विक्रम गोखले के नाम पर होगी सड़क, हम दिल दे चुके सनम में बने थे सलमान के गुरु, इवेंट में पहुंचेंगे कई एक्टर्स। केरल की किसैट यूनिवर्सिटी में बड़ा हादसा, टेक फेस्ट के दौरान भगदड़, हादसे में 4 छात्र की मौत, 60 से ज्यादा घायल। अचानक बारिश होने से ऑडिटोरियम में भीड़ मचने से भगदड़, 2 छात्र गंभीर रूप से घायल। सीएम पिनाराय विजयन ने हादसे बचा जताया दुख, घायलों के इलाज के लिए दिए समुचित व्यवस्था के निर्देश। सीएम ने बिना देरी के दिए जांच के आदेश, मृतकों की नहीं हो पाई है पहचान। पुणे में एक कबाड़ी की दुकान में लगी भीषण आग, कई किलोमीटर दूर से दिखा ई धुआं और इसका गुब्बार। हादसे में पड़ोस के 2 घर जलकर खाक, लाखों का नुकसान। संभल में सरकारी स्कूल पड़ा सूना, विद्यालय की 4 दीवारी कराने पर प्रधानाध्यापिका हुई निलंबित। प्रधानाध्यापिका के निलंबन से नाराज होकर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने खड़ा किया बवाल। गोपालगंज संदिग्ध जहरीली शराब कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 5 लोगों की हो गई थी मौत। लुधियाना में नेशनल हाईवे पर कई गाड़ियां आपस में टकराई, कोहरे के कारण हादसा। कानपुर में MBBS छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। कौशाम्बी में संविधान दिवस अराजक तत्वों का दिखा कारनामा, तोड़ी अंबेडकर की मूर्ति, तनाव के चलते पुलिस बल तैनात। बांदा में मामूली विवाद में चली गोलियां, खेत में सोते समय किसान की गोली मारकर हत्या। जमशेदपुर में मां बेटे की मिली भगत से शख्स के घर हुई लाखों की चोरी, आरोपी गिरफ्तार। आजमपुर में लुटेरों ने गन पॉइंट पर की लूट की पूरी वारदात, सीसीटीवी में कैद।